स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स क्रूजी पर। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो आपका चैप्टर है क्लास 12th के अकाउंट्स में चेंज इन पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें डीके गोयल की बुक में जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे मेरी लाइव क्लासेस में एनरोल होना चाहते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर मेरे को मैसेज करके आप एनरोल हो सकते हैं 9690105047, जिसमें आपको अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बीएसटी का पूरा कोर्स करवाया जाएगा। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट की क्लास लोगे ग्रुप में तो 700 रुपीज़ और सबकी तो 2000 रुपीज़, प्राइवेट क्लास भी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि सर सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। देखो बेसिक सी बात है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेयरिंग रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी कि फर्स्ट वाले का आंसर बी और सेकंड वाले का आंसर सी। अब बारी आ जाती है हमारी सर रेशियो वाली। ए एंड बी दो पार्टनर है, शेयरिंग रेशियो है प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इक्वली का मतलब कितने पार्टनर है सर, दो पार्टनर है, तो रेशियो हो जाएगा 1:1। 1 अप्रैल से डिसाइड किया है कि उनका रेशियो क्या होगा, 4:7। अब इसके हिसाब से आपको बताना है कि ए को गेन होगा या सेक्रीफाइस और कितना। तो देखो यहाँ पे हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालें, इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का पुराना रेशियो कितना था, 1:2। ए का नया रेशियो कितना है, 4:7। एलसीएम लेंगे 14 आ जाएगा, 7 × 7 4 × 2 = 8, यानी कि माइनस में 1/14 आएगा और माइनस का मतलब गेन, यानी कि आंसर होगा ए 1/14। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, अगेन वही क्वेश्चन है लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे बी का आंसर पूछा है। तो देखिए बिना निकाले ही मैं बता देता हूं कि यहां पर बी जो करेगा वो सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि ए ने ऑलरेडी गेन करा है और उसका 1/14 माइनस में था तो इसका 1/14 प्लस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फिफ्थ वाला, इसमें कह रहा है कि ए एंड बी पार्टनर है, रेशियो 3:5 और आगे उन्होंने सोचा कि इक्वली शेयर करेंगे। तो ए का पुराना कितना है सर, 3/8 और नया है 1/2, क्योंकि इक्वली है तो 1:1। एलसीएम क्या हो जाएगा सर, 16 ले सकते हैं, या हम अगर इसको भी लेते हैं तो शायद 8 ही आएगा, देखते हैं 2 × 2 = 2, 4 = 8, फिर 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8 आएगा 3 − 4 = 4, यानी माइनस के 1/8, यानी कि जो ए है वो क्या करेगा सर, गेन करेगा। अब ए गेन करेगा तो बी क्या करेगा सर, सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे अब आपको दोनों का पूछा है सर, ए एंड बी पार्टनर है, रेशियो ये है और उसका इक्वली, ओके ए का पुराना कितना सर, 2/3 और ए का नया कितना, 1/2। एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2 × 4 = 3, यानी कि 1/6 प्लस में, यानी कि ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ओके तो ये सेक्रीफाइस 1/6 और बी क्या करेगा, गेन करेगा 1/6 से, तो इसका आंसर होगा बी। सेवन्थ देखते हैं, वही इक्वली वाला है, ये भी इक्वली वाले हैं, मतलब इसमें आपको दो दे रखे हैं, पहला ये नया है, ये पुराना है, ये नया है। तो अगर ए का निकालोगे आप तो ए का पुराना कितना था, 3/6 और नया कितना है, 2/5, तो 6 × 5 = 30। एलसीएम ले लेंगे, 6 × 5 = 3 = 15 × 2 = 12, यानी कि 3/30, तो इसको मैं 1/10 भी ले सकता हूँ, लेकिन एलसीएम में देख लेते हैं 3/30 ही लिया जा रहा है तो हम 3/30 ही लेंगे, और ए क्या कर रहा है, ए का आंसर प्लस में आ रहा है तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो अब आंसर हमारा ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो आगे के लिए हम देखते हैं बी का क्या आ रहा है, बी का पुराना शेयर था 2/6 और नया है 2/5, एलसीएम 30, 5 × 2 = 10, 2 × 12, माइनस के 2/30 यानी गेन कर रहा है बी, यानी कि इसका आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन रेशियो वाले हैं, तो इसकी तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर है। अब आपसे पूछा गया है द एक्सेस अमाउंट विच द फर्म कैन गेट ऑन सेलिंग इट्स एसेट्स। तो जो आपका एक्सेस अमाउंट होता है जो आपको एसेट्स को बेचने पर मिलता है वो किसके लिए मिलता है सर, उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारी गुडविल होती है। इनमें से कौन सा बात सही नहीं है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है, यस। उसकी एक रियलाइजेबल वैल्यू होती है, यस, यानी इसका आंसर होगा बी, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होती। जब गुडविल को परचेज नहीं करा गया तो हम रेज नहीं कर सकते, यानी कि 13। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय, लोकेशन से भी इफेक्ट करेगा, रेपुटेशन से भी इफेक्ट पड़ेगा, कस्टमर सर्विस से भी इफेक्ट पड़ेगा, यानी इसका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है कि कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आपको 500,000 दे रखी है, एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 60,000, नॉर्मल रेट दे रखा है 10%, आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो आपको दे रखा है 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% निकालेंगे, यानी 50,000, तो 60,000 - 50,000, तो आपका आंसर आ जाएगा बी, 10,000।
नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 16 में, इसमें आपको लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है 12,000, 13,000, 14,000, 18,000 और ये लॉस दे रखा है। 2 ईयर परचेज के हिसाब से आपको निकालना है वैल्यू ऑफ गुडविल, तो इसमें एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालना। तो देखो 12,000 और 13,000 ये हो जाएगा आपका 25,000, फिर आपका 14,000 यानी कि देखो ये इसको ऐड कर लेते हैं, 12,000 प्लस 13,000 तो ये हो जाएगा 25,000, अब 14,000 और 18,000 तो ये हो जाएगा 32,000, और 32,000 में से 2,000 का लॉस। आइए आइए सर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा 25,000 हो गया, 32,000 हो गया, 32,000 में 2,000 माइनस करने हैं सर, क्यों, क्योंकि ये लॉस है, तो ये कितना हो गया सर 30,000, और 30,000 और 25,000 हो गया हमारा 55,000, 55,000 को हम डिवाइड करेंगे 5 साल से तो ये आएगा आपका 11,000, 11,000 को 2 ईयर परचेज निकालना है तो ये आपका आंसर आ जाएगा 22,000, यानी 16 का होगा बी। फिर है आपका नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 5 ईयर्स का आपको 60,000, नॉर्मल कॉमर्शियल कैपिटल इन्वेस्टेड है 10%, कैपिटल ये आपको दे रखी है, गुडविल आपको निकालनी 3 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट के हिसाब से। तो देखो एवरेज प्रॉफिट तो आपको दे रखा है 60,000 और नॉर्मल प्रॉफिट 10% निकाल लोगे 50,000, इसका 10% 50,000 तो 10,000 तो आ गया आपको सुपर प्रॉफिट। अब 10,000 इंटू कितने ईयर परचेज है 3, तो यानी कि ये आ जाएगा आपका 30,000, यानी 17 का सी। उसके बाद 18 आपसे पूछा है, इसमें पूछा है आपसे कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला क्या होगा गुडविल निकालने का, तो आपको यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई रेट ऑफ रिटर्न। 19 में आपसे कहा गया कर, ये तो आप कर ही लेंगे। फिर आपको देखिए 20 वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको एबनॉर्मल लॉस दे रखा है, ये आपका एक सेकेंड, तो इसमें आपका क्या होगा कैपिटल इन्वेस्टेड देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज प्रॉफिट आपको जो दे रखा है 64,000, उसमें एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, यानी कि एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा 68,000। कैपिटल इन्वेस्टेड है 5 लाख, 5 लाख का 10% कितना हो गया 50,000, तो दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा 18,000, कितने ईयर परचेज निकालना है सर 4, यानी कि आंसर आ जाएगा 72,000। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि तीन पार्टनर है एबीसी, रेशियो दे रखा है, उन्होंने फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली डिसाइड किया है। अब ऐसे क्वेश्चन में हमको करना क्या है, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे रेशियो, ए का पुराना शेयर है 4/9 और नया इक्वली है तो 1/3, तो इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो शायद 9 ही आएगा, देख बार करके देख लेते हैं, 9 और 3 3 3 3 9, हाँ 9 ही आएगा, तो ये 4 -3 1 जा 3, यानी कि ए का आएगा 1/9 सेक्रीफाइस में, तो ए हमारा क्या होगा क्रेडिट होगा। बी का निकालेंगे तो 3/9 -1/3, तो अगेन 9 3 -3, तो बी का आपका कुछ नहीं आएगा देख लेते हैं, यानी कि ये होगा इसका आंसर, क्योंकि ए क्रेडिट हो रहा है, बी है ही नहीं और सी डेबिट होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में कहा करेंगे कैसे सर, ये जो आपका 10,800 है इसको 1/9 कर देंगे। हाँ जी 22 में आपसे कहा जा रहा है कि एबीसी तीन पार्टनर है, इसमें भी सेम, पहले हम रेशियो निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो, जो गेन आ रहा है यानी कि माइनस में आएगा वो डेबिट होगा, जो उसको सेक्रीफाइस हो रहा है वो क्रेडिट होगा, और जो आप रेशियो निकालोगे उसका हम इससे मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकालेंगे। तो यहाँ के आप ये क्वेश्चन मोस्टली कर ही लोगे। हाँ जी यहाँ भी गुडविल है, यहाँ देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का हमको क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है मीन्स ये हमारा फायदा है, और अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है तो मीन्स वो हमारा लॉस है। इनको हमें ओल्ड रेशियो में बांटना है, यानी कि ये जो 96,000 है ये ओल्ड रेशियो में बट जाएगा, और एंट्री क्या होगी सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर 2A 2B 2C, ठीक है ना, बस रेशियो ये आप कर लेंगे जनरल जब भी आपका बट जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस ही रखा है, तो डेबिट बैलेंस ही रखा है तो ये लॉस है, लॉस के लिए पार्टनर सारे डेबिट होंगे और वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ आपको इतना ही करना है बेटा, जो मेन है आपका इस चैप्टर में। अगली वीडियो में हम करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs, और मैं बहुत जल्द सैम्पल पेपर भी कराऊंगा अकाउंट्स का, जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।